ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम कथा और उसे जीवन उपयोगी शिक्षाएं इस श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। यहाँ रावण सीता के कुटिया में पहुंच चुका है, सन्यासी का रूप धरे हुए है, तिलक लगाए हुए है और अलख निरंजन कहता हुआ पहुँच गया। सीता को कहता है भवती भिक्षाम देही, भिक्षा दीजिए। सीता सोचती है एक साधु है, इसको ना भी नहीं कह सकते, मैं घर में अकेली हूँ, हाँ भी नहीं कहा जाता, ना कहूँगी तो श्राप दे देंगे, हाँ कहूँगी तो कैसे इनको मैं अपने हाथों से सेवा करूँगी। कुछ सोच के उसने फिर उनको बोला आइए अंदर आइए, उनको अंदर बुला लेती, अंदर आके उसको बिठा लेती, एक आसन देती और वो साधु कहने लगता है इस घने जंगल में शेर हाथी सुअर इत्यादि घूमते हैं, ऐसे जंगल में तुम अकेले क्या कर रहे, ये तो राक्षसों का सेवित स्थान है, ऐसे घने जंगल में तुम्हारी जैसी सुंदरी क्या कर रही है, मैंने कहीं तुम्हारी जैसी स्त्री को ऐसे जंगल में कभी देखा नहीं, मेरा तो कहना है तुम यहां से वापस चली जाओ, क्यों रहती हो अपने जान को खतरे में डाल के। देखिए रावण पहले कैसे मन को पकड़ रहा है, अपने को उसका एक शुभ चिंतक करके दिखा रहा है, भला मानने वाला दिखा रहा है। रावण आगे बोलता है तुम नहीं जानती हो यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे चीज़ें हो सकती है आगे पीछे, मेरा कहना मानो यहाँ मत रहो। सीता पीले रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए और रावण लाल रंग के गेरुआ कपड़ा पहना हुआ है, दोनों की बात हो रही। सीता ने फल काट के वहाँ पे उनके सामने रखे और कहे कि आप इन फलों को ले लीजिए, ये उत्तम फल हैं, और इधर उधर देखती है कि शायद मेरे पति आ रहे होंगे, दूर दूर तक कहीं उनको राम लक्ष्मण का निशान तक नहीं दिखाई पड़ता। वो साधु पूछता है बताओ तुम कौन हो, सीता जी सोचती है कि अगर मैं नहीं बताऊंगी तो श्राप दे देंगे, मुझे बताना ही पड़ेगा, कहने लगती है मैं दशरथ की बहू मैथिली सीता हूँ, राम की प्रिया हूँ, और पूरी कहानी विस्तार से कहती है कैसे कैकेयी ने दो वर मांगे, कैसे उन्हें वन में आना पड़ा और कैसे यहाँ तक के लोग पहुँचे, सारी के सारी कथा पूरी कह डालती, संक्षेप में सब कह डालती। ये सुनने के बाद अब उस रावण से और नहीं रहा गया, रावण कहने लगा खाने में उसको कोई रुचि थोड़ी थी, उसकी रुचि उस सीता के अंदर थी, ऐसा लग रहा था कि सूर्य और चंद्रमा वहां से गए हुए हैं राम और लक्ष्मण के रूप में बाहर, और संध्या है वो सीता, और सीता संध्या के सामने रावण वाला अंधकार आके खड़ा हुआ है, सूर्य चंद्रमा से रहित संध्या के सामने रात्रि का अंधकार, रात्रि का डर खड़ा हुआ है, ये विकट परिस्थिति आ गई। तो आगे ऐसा लगता है जैसे रावण कुछ यहाँ पे कर रहेगा, सब लोग वहाँ पे सारा सन्नाटा जैसा एक अद्भुत एक विशेष प्रकार का डर वहाँ पे पैदा हुआ है। रावण कहता है सुनो सुंदरी मेरा परिचय सुनो, मैं लंकाधिपति रावण हूँ, कुबेर का छोटा भाई रावण हूँ, लंका में सोने की लंका है उसका मालिक मैं रावण, और मैं स्वयं तुम्हारे पास
तुम्हारे रूप को देख के आ गया हूँ, तुम्हारे रूप से मैं उन्मत्त हो चुका हूँ, तुम्हारे चेहरा, तुम्हारा रूप, तुम्हारा लावण्य मेरी रानियों के पास तक नहीं। जैसे नदी बहती है तो कैसे किनारों को काट के बहा के ले जाती, वैसे तुम्हारा रूप मेरे मन को काटता हुआ, बहाता हुआ लेके जा रहा है। मेरी रक्षा करो। मैंने बहुत सारी स्त्रियों का हरण किया है और हरण करके लंका में ला के रखा है, लेकिन मेरा मन उन पे नहीं जाता, मेरा मन तुम में जा रहा है। मेरे साथ लंका चलो और लंका चल के मेरी पटनरानी बन के रहो। 5,000 दासियां तुम्हारी सेवा में लगा के रख दूंगा, चलो मेरे साथ चलो। सीता जो है ये सुन के लड़खड़ाने लगती है, रोष आ जाता है उनको, कहते रे दुष्ट, तू अपने आप को क्या समझता है, राम की पत्नी के सामने तेरा ये साहस? अरे जो सिंहनी है वो कभी सियार के साथ रह सकती है? शेर की पत्नी सियार के पत्नी बन के रह सकती है क्या? कभी शेरनी तो शेरनी ही रहेगी, वो कभी सियारनी नहीं बन सकती। अरे हंस के साथ कभी कौवा रह सकता है? मैं हंसनी हूं और तू कौवा है? अरे कभी नहीं हो सकता है। अरे जो राम के लिए जो चीज है, राम कहां और तू कहां? राम वो अमृत है और तू चावल का पानी कंजी है, वो कहां और तू कहां? वो जब आ जाएंगे तो तेरे जैसे छोटे छोटे लोग कहां भागेंगे, कह नहीं सकते, तेरी कोई औकात नहीं। राम की पत्नी का अपहरण करना चाहता है दुष्ट, निकल यहां से। लेकिन रावण ये सुन के हंसने लगा, कहने लगा वो उस राम के ऊपर इतना घमंड, अरे मेरे सामने तो बड़े बड़े देवता तक खड़े नहीं रह सकते, उस राम की क्या, और राम कौन से खेत का मूल है, इंद्र चंद्र वरुण यम सबको हराया हुआ है, एक मनुष्य राम के ऊपर तेरी आ सकती है? रे इसको कहते हैं छोटी अकल, जरा देखो मैं कौन हूं, लंकाधिपति, कुबेर का भाई, कुबेर का भाई और कुबेर का पुष्पक विमान हर लिया है वो रावण है, और उस रावण के सामने वो रावण खुद तेरे पास चल के आया है। तुम अपने मन से मेरे को प्रेम करो, सबको भूल जाओ और मेरे साथ लंका एक बार चलो, एक बार लंका देख लो, फिर तुम कभी इस राम को याद भी नहीं करोगे। ये राम, इसको दिमाग कम था इसलिए तो इसने अपने पिता का राज्य छोड़ दिया, नहीं तो एक स्त्री के कहने पे उसके दो वर को मानने के लिए ये कभी अपने घर छोड़ता था? उसने अपना घर छोड़ दिया मतलब इसमें ज्यादा अकल नहीं था। इसको राजपाट पॉलिटिक्स करना नहीं आता था, पॉलिटिक्स अगर जानता था तो पॉलिटिक्स करके वहां से निकल के आ जाता था, लेकिन वो पॉलिटिक्स नहीं समझ पाया, भोलेपन में ये जंगल आ गया। अब तुम इसके साथ रहना चाहती हो, ये तुम्हारी मूर्खता है। और रावण कहने लगा चलो मेरे साथ। सीता केले के पेड़ के जैसे फड़फड़ 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 करने लगी और रावण का रोष बढ़ने लगता है। रावण कहता है रे अपने रूप पे उन्मत्त नारी, मेरा तू दुर्लक्ष्य कर रही है, मेरे को तू छोड़ना चाह रही है और मैं अपने रूप को बदल के दिखा सकता हूँ। उसने तो पहले ही रूप बदला हुआ है। रावण ने अपना रूप बदला और गिरे हुए कपड़े से उसका कपड़ा लाल हो गया और उसका शरीर जो है साधु का शरीर बदल के एक काला हीरे के जैसा शरीर आ गया। 10 सर आ गए और रावण अपने विशेष रूप में आ गए, 20 हाथ और 10 सर वाला रूप। ये देख के सीता एकदम से घबरा गई। रावण की नजर जगत माता जानकी पे आ गई। रावण आगे बढ़ता है, बाएं हाथ से उनको पकड़ के उठा लेता है, बाएं हाथ से उसका सर और दाहिने हाथ से उनका शरीर उठाता है और वहां से उनको लेके सीधा ले भागता है। बाहर आता है और एक रथ उसका तैयार होता है, रथ पे उसको रख देता है और रथ ऊपर उठ चलता है। सीता जोर जोर से रोने लगती है, हाँ जग एक वीर रघुराया के ही अपराध बिसारहुं दाया, आरती हरन सरन सुखदायक
हाँ रघुकुल सरोज दीन नायक, हाँ लक्ष्मण तुमरो नहीं दोसा, सो फल पाऊं कि नहुं रोसा। हाँ जग एक वीर रघुराया, केहीं अपराध बिसार हूं दाया। हे रघुराया, हे रघुवीर, मैंने क्या अपराध किया है? इतना लेट, इतना व्यस्त, इतनी देर हो गई आपको आने के लिए, मुझे क्यों छोड़ दिया आपने? क्या अपराध हुआ मुझसे? आरती हरन शरण सुखदायक, जिनकी आरती करने से शरण में लेने वाले लोगों का दुख हरण हो जाता है। हाँ रघुकुल सरोज दीन नायक, दीनों के दुखियों के दुख को दूर करने वाले प्रभु आप कहाँ हो? और कहती है, हाँ लक्ष्मण तुमरो नहीं दोसा, सो फल पाऊं कि न रोसा। लक्ष्मण तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये मैंने जो रोष किया तुम्हारे ऊपर उसका ही दोष मैं खरीद के लिया। ये स्थिति मेरे खुद के कारण से आ गई, ये तुम्हारे कारण से नहीं लक्ष्मण। प्रभु बहुत कृपालु हैं, लेकिन भूरी कृपा प्रभु दूरी स्नेही। कृपा तो बहुत है प्रभु में, लेकिन प्रभु दूर हैं। स्नेही तो हैं प्रभु, लेकिन प्रभु दूर हैं। प्रभु वहां तक नहीं पहुंच पाए, योग माया के प्रभाव से सब दूर दूर है। और सीता को उठा के रावण वहां से ले चला है, थोड़ी ही दूर गया है। गिद्धराज जटायु, उसकी नजर वहां पड़ती है। जटायु ने चुनौती दिया है, रे रावण रुक, मेरे रहते तू कहाँ जा रहा है इस अबला को लेके। जटायु उड़ते उड़ते आते हैं ऊपर से और झपट्टा मार के रावण के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, चोंच से नोच नोच के उसकी हालत खराब कर देते और यहां तक कि उसके गदों खच्चरों को मार के उसके सारथी का सर नोच के उड़ा देते हैं, उसके एक तरफ के हाथों को नोच के उड़ा देते हैं और पीछे से आके उसके ऊपर बहुत सारे आक्रमण करते हैं, उसके रथ का ध्वजा उड़ा देते हैं, रथ को तोड़ डालते हैं। रावण सीता को लेके एक तलवार को लेके नीचे गिरता है और रावण और जटायु का खूब ढेर सा युद्ध चालू हो जाता है। जटायु लड़ते लड़ते बहुत बूढ़े हो गए रहते, काफी उनका उम्र हुआ रहता है पहले से, जटायु लड़ नहीं पाते। अंत में रावण ने उनके पंखों को काट दिया, उनके चोंच को काट दिया, उनके पैरों को काट दिया और उसके बाद सीता जंगल की तरफ भागने लगती है। रावण दौड़ के जाता है और सीता को पकड़ने लगता है। सीता एक पेड़ को जाके पकड़ लेती है, कहती बचाओ बचाओ। रावण पीछे से आकर उसको वहाँ से खींच लेता है और खींच के अपने हाथों में दबा के सीता को लेके उड़ जाता है। सीता कहती है, आप लड़ाई नहीं करते, केवल राम को बताते तो अच्छा रहता। और सीता वहाँ से चली जाती है। रावण उसको लेके उड़ते, पीछे जटायु अधमरी अवस्था में गिरते। जटायु ने सत्य की रक्षा की, उसको उस स्थिति में भी खुशी हो रही थी कि खुशी और कि मैंने अपना धर्म निभाया, लेकिन दुख हो रहा था कि मैं सीता की रक्षा नहीं कर पाया। सीता को लेकर रावण उड़ता है, आकाश मार्ग से किष्किंधा होकर आगे जाता है। सीता की नज़र नीचे कुछ बंदरों पर पड़ती। सीता ने अपने कुछ गहनों को एक पल्लू पे लेके पल्लू को नीचे बिना उसको दिखाए गिरा दिया और वो सारे का सारा गहना एक झाड़ी पे गिरता है जो सुग्रीव और हनुमान के हाथ लग जाते हैं। सीता रावण उसको लेके जाता है, समुद्र पार करके लंका पहुंचता है और अपने महल के अंदर उसको रखता है। सीता रोते रहती है, शोक ही करते रहती है, रो रो के शोक कर करके उसकी हालत पतली हो गई। रावण चाहता है उसको खुश करना, सीता को कहता है इसको शोक करते हुए से इसको अशोक करना पड़ेगा, इसको अशोक वन में लेके जाओ। और उसके विशेष उसका खुद का जो वन था अशोक वन, उसमें जाकर सीता को एक बड़े महल के अंदर रख दिया जाता है।
लेकिन सीता उस महल में नहीं रह के पेड़ के नीचे बैठ के रहती है और वहां तपस्या करती है। और इधर राम लौटते हैं और कुटिया को सुना पाते हैं। लक्ष्मण को खूब डांटते हैं, तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है, तुमने मुझे अप्रसन्न किया है। कभी कभी लक्ष्मण की हालत सबके जीवन में आती, सब कुछ ठीक करने के बाद भी जीवन में उथल पुथल मचता है, डांट खाना पड़ता है। राम लक्ष्मण दोनों दौड़े दौड़े वापस आते हैं, वहां सीता नहीं मिलती। राम विलाप करने लगते हैं, खोजने लगते हैं, इधर उधर सब तरफ देखते हैं, किसी ने कुछ बताया नहीं, सारे जानवर उस इशारा कर रहे हैं उधर, उनमें कुछ बोलना नहीं आ रहा। राम आगे आगे बढ़ते बढ़ते उनकी नज़र जटायु पर पड़ती, जटायु बस मरनासन हो रहे थे। पहले तो उनको लगा इसी ने सीता को मारा रहेगा, तो कभी कभी सेवा करके भी ऐसा लोग सोच सकते हैं आपके बारे में। लेकिन जटायु ने अपना परिचय दिया कि मैं जटायु हूँ, तब लोगों ने देखा कि ये तो जटायु है। और जटायु ने कहा कि रावण सीता को हर के दक्षिण दिशा में ले गए, और जटायु ने अपने प्राण त्याग कर दिए सेवा करते करते। और राम वहाँ पे उनको गले लगा के रोते, पहले मैंने अपने पिता को खोया और अब पिता के मित्र, पिता के समान एक दूसरे और पिता को मैंने खो दिया। और लक्ष्मण और राम मिलकर खूब रोते और उनके अंतिम क्रिया करते, वहाँ पे गंगा का जल प्रकट करके उनको जलांजलि देते। आज भी ताकेत स्थान पे नासिक के पास वो स्थान है जहाँ गंगा का जल प्रकट होता है, प्रभु राम के द्वारा प्रकट वो जल है। भक्त के प्रेम का पहचान आज हजारों हजारों लाखों साल के बाद भी वो स्थित है। जटायु का उद्धार हो गया, जटायु को अपने धाम भेज दिया प्रभु ने। राम और लक्ष्मण आगे बढ़े, सीता की खोज में आगे बढ़े। और जब आगे बढ़े तो रास्ते में एक स्थान, शाम के समय में बहुत जोर से प्यास लगा, प्यास लगा, लक्ष्मण पानी खोजने गए। और पानी खोजने गए तो वहाँ पे एक विशेष एक लड़की जो राक्षसी थी उसकी नज़र लक्ष्मण पे पड़ी। अयोमुखी, चमकदार सर और नाक के अंदर से उसकी आग निकलता था, आंखें सूरज के जैसे चमकती थी, इतनी विकराल, इतनी जहरीली थी कि सांपों को बांध के चूड़ियां पहन के रखती थी दोनों हाथों में, पैरों में सांप बांध के रखते पायल बना के पहनती थी, और तो और सांपों को रस्सी बना के, छोटे छोटे सांपों को रस्सी बना के उसमें शेर बाघ गेंडे बांध के पैरों पे नूपुर बना के रखती, 10-20 बाघ को बांध के गले में मंगलसूत्र पहना करती और झुमके में भी 2-4 बाघ लगा के रखती, और बाघों के गर्जन से उसके झुमके की आवाज आती थी। वो अयोमुखी थी, वो लाखों में एक थी। उसकी नजर लक्ष्मण पर पड़ती और उसको लगता है कि ये लड़का बड़ा अच्छा है, इससे विवाह कर लेती। लक्ष्मण के पास जाती है और वो लक्ष्मण के मन को पढ़ लेती कि मुझसे विवाह नहीं करना चाहता है। उसको ऐसा मंत्र मार के, मोहनास्त्र मार के लक्ष्मण को बेहोश कर देते। लक्ष्मण बेहोश होकर निढाल होकर गिरते हैं, अयोमुखी उसको लेके उड़ जाती, अलग अलग जगहों पे घूमने लगती है। बहुत देर के बाद लक्ष्मण को होश आता है, देखते हैं मैं कहाँ उड़ रहा हूँ। और जब देखते हैं उड़ रहा हूँ तो उनका विशेष तौर से वही चीज़ है, तलवार निकालते हैं, उसका नाक और कान काट लेते हैं। ये तीसरी बार है, पहली बार त्राटका के नाक और कान काटे, दूसरी बार सुपर्णखा के नाक और कान काटे, और अब तीसरी बार अयोमुखी के नाक और कान काटे हैं। लक्ष्मण जी महाराज की जय, जान नहीं लेते, नाक और कान काट लेते। अयोमुखी नीचे गिरती है, भागती है, लक्ष्मण वापस आते हैं बिना पानी लिए। राम बहुत चिंता करते हैं कि शाम के समय जंगल में मेरा भाई कहाँ चला गया, पत्नी गई, पिता गए, भाई गया, बेकार हुआ जीवन। और लक्ष्मण खाली हाथ लेके लौटे और कहते हैं भैया मैं पानी नहीं ला सकता, और प्रभु को सब सुनाते हैं क्या हुआ।
राम उसको गले लगा कहते बेट भाई तू ही मेरा सब कुछ है, तुरे को कुछ हो जाता तो मैं कहीं का नहीं रहता, मैं वापस नहीं जा पाता, मैं भी वन में ही प्राण त्याग करता था। दोनों भाई स्नेह से बन जाते हैं और एक अस्त्र छोड़ के पूरा प्रकाश करते हैं राम और दूसरा अस्त्र छोड़ के बारिश करवाते हैं और उसी पानी को उठा के फिर पीते हैं। ऐसा है भाइयों का प्रेम। राम और लक्ष्मण इस तरह वन में सीता को खोज रहे हैं, विरह में इधर से उधर खोज रहे हैं और बीच में एक और घटना हो जाती है सुंदर। शिव जी भवानी के साथ, सती के साथ राम कथा सुनने अगस्त मुनि के आश्रम में आए हुए होते और कथा पूरी सुनते हैं। कथा सुनने के बाद जब वापस जा रहे होते हैं तो जंगल में उनको राम के दर्शन होते हैं जो सीता सीता करके हर जगह खोज रहे, हे सीते करके खोज रहे। तो सती पूछती है क्या यही आपके प्रभु हैं? तो भगवान बोलते हैं, भोले बाबा बोलते हैं हाँ मेरे प्रभु यही है। तो सती बोलती मैं जरा एक मिनट उनको मिल के आती हूँ। और जो मिलने जाती है तो परीक्षा लेने की सोच मन में उसके आ जाती है। वो सीता का रूप धर के वहाँ बैठ जाती है और जब राम वहाँ सामने आते हैं सीते सीते करके एकदम मोहित हुए हैं और वहाँ पे जो सती बैठी है शिव जी की पत्नी सीता का रूप लेके बैठी है, तो राम कहते हैं माते आपके पति वृषध्वज भोले बाबा कहाँ हैं और आप अकेले इस वन में कैसे बैठी हैं यहाँ पे? ये सुन के उनकी सारी चीज़ें उनको पता चल गई, बेचारी बहुत शर्मा जाती। और तब राम ने एक और चीज़ दिखाया, राम ने पूरा राम दरबार दिखा दिया उनको। एक तरफ सीता जी बैठी हैं, एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ हनुमान, सब बैठे हैं वहाँ पे और उनकी स्तुति चल रही है। ये देख के तो सती और चकरा गई और उसके बाद प्रभु ने और एक रूप दिखाया। ये दरबार खत्म हो गया और खत्म होने के बाद फिर से वो हे सीते सीते करके इधर उधर भाग रहे हैं पागलों के जैसे, राजकुमार के जैसे। सती पूरी चकरा गई कि तीनों में से असली कौन है, कि तीनों ही असली हैं। तुरंत वहां से आती है और शंकर जी को बोलती है चलिए वापस। तो शंकर जी पूछते हैं कि क्या हुआ, तुमने कुछ देखा? पर नहीं नहीं बस चलिए। तो शंकर जी बोलते हैं मैं देखता हूँ। तो उन्होंने ध्यान लगा के देखा कि ये सीता का रूप लेके वहां बैठी थी। तो शंकर जी मन में सोच लेते हैं जब इसने मेरी माँ का रूप धर लिया तो मैं इसके साथ कैसे रहूंगा, और मन में सोच लेते हैं कि अब साथ नहीं हो सकता, ये तन सती अब भेंट नाही। मन में सोचते हैं शिव संकल्प कीनी मन माही, और देवता लोग साधु साधु करने लगे कि ये देव शिव जी ऐसा सोच सकते हैं। और हम जानते हैं आगे भागवत में प्रसंग आता है, सती अपने घर में जाती है, ससुराल जाती है और सती सती हो जाती है, अपने शरीर में योग अग्नि प्रकट करके जल जाती है और वही सती अगले जन्म में पार्वती बन के फिर आती है और शिव पार्वती का फिर से विवाह होता है। तो कभी भी प्रभु को जो परीक्षा लेने वाले जो लोग होते हैं बड़े संकट में फंसते हैं, इसलिए प्रभु को परीक्षा नहीं, प्रभु को प्रार्थनाएं अर्पण करना चाहिए। प्रार्थनाएं अर्पण करेंगे तो जीवन में उल्लास होगा, जीवन में गहराई आएगी, जीवन में संशय हटेगा और उसके साथ जीवन मंगलमय बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय।